नमस्कार दोस्तों, वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज करना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है, क्योंकि वर्कआउट करना आपके शरीर को फिट रखने में काफी मदद करता है। लेकिन वर्कआउट करने के बाद आपकी एनर्जी काफी ज्यादा खर्च हो जाती है। ऐसे में कुछ ऐसे खास फूड्स या खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको खाने से आप अपनी खोई हुई एनर्जी को वापस प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपकी मसल्स को भी काफी रिलैक्स मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वे फूड्स जो आपको वर्कआउट के बाद लेने चाहिए। सबसे पहली चीज है दोस्तों केला। अब सब जानते हैं कि केला एक सर्वोत्तम स्रोत है ऊर्जा के लिए। इसमें प्राकृतिक शुगर मौजूद होता है जो आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, और केले में मिलने वाला शुगर मॉलिक्यूल्स आपकी मसल्स तक बहुत ही जल्दी पहुंचकर ग्लाइकोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में मसल्स मजबूत और ऊर्जावान बनती है। साथ ही केले के सेवन से आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और मिनरल प्राप्त होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। अगली चीज है दोस्तों उबले हुए अंडे। वर्कआउट करने के बाद आपको उबले हुए अंडे का सेवन काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि अंडे में मौजूद कई सारे अमीनो एसिड, विटामिन बी और विटामिन डी और साथ ही प्रोटीन आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। अगली चीज है दोस्तों बादाम। बादाम में कॉपर, मैग्नीज, राइबोफ्लेविन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर में एनर्जी बढ़ाने में काफी मदद करता है। राइबोफ्लेविन आपके शरीर में ऊर्जा के उत्पादन को संतुलित करने में मदद करता है, और मैग्नीज और कॉपर शरीर में ऊर्जा को संचारित करते हैं, और साथ ही यह तत्व आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी काफी सहायता करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको स्प्राउट्स का सेवन भी करना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी बढ़ाने के लिए शरीर में एंजाइम्स की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। स्प्राउट्स में काफी मात्रा में एंजाइम्स, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं, और हमारा पाचन तंत्र स्प्राउट्स को बहुत ही जल्दी और आसानी से पचाकर आपके शरीर को तुरंत जरूरी एनर्जी की मात्रा प्रदान करता है। इसलिए वर्कआउट करने के बाद स्प्राउट्स का सेवन आपको दिन भर तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का फायदा अवश्य उठा सके। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।